इतना मजा आएगा जब मुझे ड्राइविंग आ जाएगी। उफ, मैं तो दुनिया नाप जाऊंगी अकेली। क्या है, नाक कटाएगी लड़की। आज सड़क पे चल रही हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ये सोचा हो कि भैया रतन का फेवरेट फ्लावर ज़मीन पर बिछा तो वो उसको वॉक करेगी। रात को इतना ज़्यादा आंधी तूफान था कि जितना पेड़ पे चंपा है उतना ही ज़मीन पे है। मेरे साथ आज से ये होता है कि मैं कहती हूँ जो मेरा फेवरेट फूड है ना, मेरा वो खाने का मन कर रहा है। सामने वाला पूछेगा क्या फेवरेट फूड क्या। अरे यार मेरा फेवरेट अभी याद नहीं आ रहा है। रिंकी तुमको याद है मेरा फेवरेट। फेवरेट का नाम भूल जाओ, ऐसा अक्सर होता है। फेवरेट फिल्म भूल जाऊंगी, फेवरेट फूड भूल जाऊंगी, नाम भूल जाऊंगी। और देखना मेरे फेवरेट एक नहीं होते, अनेक होते हैं। ये भी फेवरेट है, रजनीगंधा भी फेवरेट है, बेला भी फेवरेट है, सब खुशबू वाले। आज वेदर बहुत अच्छा है और इसलिए आज सुबह सुबह मैं पूरी सोसाइटी घूम रही हूँ। यहाँ से जाने का समय भी आ रहा है ना, तो देख लूँ सारा सोसाइटी। बहुत सुंदर है, मतलब ऐसा कि मैं यहाँ शिफ्ट हो सकती हूँ। मतलब होऊंगी नहीं क्योंकि चंडीगढ़ में मैं परमानेंटली क्या करूँगी, पर या ये जगह बहुत खूबसूरत है। प्यार हो गया जी चंडीगढ़ से। मेरे मूड नाच दे प्लीज। अरे पंख थोड़ा तो दिखा दे, ग्रीनरी पे दिख नहीं रहा तेरा पंख, इतना सुंदर पंख। ओहो ऐसे मौसम में मोर दिख जाए और नाचते हुए दिख जाए। कोई म्यूजिक बजाओ। नहीं, बादल के गर्जन पे नाचते हैं क्या, बिजली बिजली की। मोरनी बागा माँ बोले। अरे मुझे याद है जब मैं पटना से निकल कर दिल्ली में आई थी, तब मैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, ज़्यादा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहते हैं, वो ज़्यादा फील होता था। और बहुत टाइम से मैं मुंबई में अपने घर में रह रही हूँ तो कोई टेंशन नहीं, सब कुछ नॉर्मल लाइफ है। लेकिन इतने लंबे टाइम के लिए कहीं कुछ करने के लिए बाहर निकली हूँ अपने घर से, दोबारा से वो वाला टाइम याद आ रहा है जब घर से निकलते हैं कुछ करने के लिए। उस शहर में तेज़ी आ जाती है, होता है ना, अगर पढ़ने के लिए हॉस्टल जाओ या तो कंधे पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि समय का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो, अच्छा करना है, बेस्ट करना है। तो चंडीगढ़ में कुछ वैसा ही फीलिंग आ रहा है। तो मेरे लिए चंडीगढ़ कुछ वैसा है जैसे चार्जर, जैसे पटना से निकल कर दिल्ली ने मुझे प्रिपरेशन का जो मौका दिया था, मैं दिल्ली में प्रिपेयर्ड हुई हूँ अपने अभिनय के लिए। और वैसे ही मुझे लग रहा है कि मुंबई से मैं चंडीगढ़ आई हूँ और ये प्रिपेयर कर रहा है मुझे आगे की लाइफ की जर्नी के लिए। सो दिस इज़
समथिंग स्पेशल, दिस प्लेस इज रियली स्पेशल फॉर मी. अब मुझे ऐसा लगने लगा ये घर सबने बताया है कि अरे रतन ये घर इतना अच्छा है मत छोड़ो, सेटल हो गए हो अब दूसरी जगह मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो आपको बता दूं कि ये घर एक महीने के लिए ही था और एक महीने के बाद हमें दूसरी जगह जाना ही था, क्योंकि यहाँ बताया ना वन बेडरूम हॉल हम उतने कम्फर्टेबली नहीं रह रहे थे. क्योंकि देखो जब हम घूमने जाते हैं गाँव वगैरह में तो एडजस्ट कर लेते हैं, वहाँ तो हम कैसे में भी एडजस्ट कर लेते हैं, पर यहाँ जब ऑप्शन है और हमें यहाँ बहुत काम करना होता है तो दोनों को अपना अपना एक स्पेस कंफर्ट ज़रूरी है. इसलिए हम प्रॉपर टू बेडरूम हॉल ही ढूंढ रहे हैं. तो वो मिल गया है, हमने डिसाइड भी कर लिया है. आपको वो जगह भी अच्छी लगेगी, ऐसी नहीं है पर वो वैसी है. अब कैसी है वो वहाँ चल कर देखेंगे. वाह वाह वाह, इस चंपा ने तो घर खुले ही हमको बाहर निकाल दिया. ये देखते देखते पता है आज कैसे निकली हूँ, यहाँ बटोरा है वहाँ बटोरा है, देखते देखते निकल गई. वो तो घर है ये कि इतना सेफ है, मतलब ये सोसाइटी इतनी सेफ है. अच्छा एक बात बताओ ना, इस फ्लावर का कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ होता है ट्राई करके कुछ खाना कुछ लगाना? मैं हर चीज़ को वैसे देखने लगती हूँ. वैसे यूट्यूब पे सर्च करने पे मिल सकता है लेकिन मैं उतना टाइम नहीं है, आप ही लोग बता दो आप लोग को पढ़ लूँगी. आज बैठेंगे ड्राइविंग सीट पे. सीरियसली गाइस ये मजाक नहीं कर रही हूँ, मजाक तो मैं हमेशा ऐसे करती रहती हूँ बीच बीच में, तो ड्राइविंग मुझे सीखनी है. थोड़ा डर लगता है मुझे ड्राइविंग से, पर 10 दिन का क्लास किया था मैंने, इट वाज गुड, बट इतना गुड नहीं कि मैं अकेली कार ड्राइव कर लूँ. पर अकेली कार स्टार्ट तो कर सकती हूँ. ब्रेक कौन सा है, चौड़े वाला या पतले वाला? हैंड ब्रेक लगा हुआ है, मैंने ब्रेक दबा दिया है और मैं कर रही हूँ कार स्टार्ट. डोंट वरी. क्या है, नाक कटाएगी लड़की. कितना मजा आएगा जब मुझे ड्राइविंग आ जाएगी. उफ, मैं तो दुनिया नाप जाऊंगी अकेली सच्ची में. आप लोगों को लेकर कहीं निकल पड़ूंगी. चलो बेटा. अच्छा पहले की फिल्म में कैसे हीरोज ड्राइव करते थे? मैंने देखा है ड्राइविंग स्कूल में जब मैं गई तो इतना सा करो तो गाड़ी इतनी भाग जाती है, और अगर ऐसे ऐसे ड्राइव करो तो भैया कार ऐसे ऐसे चलने लगेगी. कुछ भी दिखा दीजिए ना पुरानी फिल्म में. ये आज तक लगा हुआ मेरी कार, ये कार फील कराता है कि मैं नया हूँ मैं नया हूँ. नहीं मेरी कार पुरानी है, मैंने अपनी कार ये वाली, ये मेरी क्रेटा जो है ये सेकंड कार है. पहली थी i10 रेड कलर की, लाली की, लाल कार, अगले जन्म के टाइम पे लिया था. और उसके बाद ये कार लिया था मैंने 18 में पापा के टाइम पे. हो पापा की जब भी बात होती है ना मैं भागने लगती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा बात नहीं करती. बस मैं ड्राइविंग सीट पे कैसी लग रही हूँ प्लीज़ बताना ना, बिकॉज मुझे फील आ रहा है कि मैं बड़ी अच्छी लग रही हूँ. यहाँ भी प्लास्टिक. अरे यार कभी ड्राइविंग सीट पे बैठी नहीं हूँ ना मैं अपने कार में, और ध्यान भी नहीं दिया मुझे, तो अपने साइड का ही ध्यान रहता है. आते ही मैं तो सीट कवर ववर सब निकाल देती हूँ, कईयों के कार में लगा होता है ना. कुर्सी की पेटी बांध ली गई है और अब हमारा हवाई जहाज निकल पड़ेगा, और आज मैं डालूंगी अपने सर पे ये गॉगल्स. ऐसे मैं प्रोटेक्ट करूंगी अपने गालों को पिगमेंटेशन के लिए, ये जरूरी है कि मैं खूब बचूं. ये भाई साहब सिग्नल क्रॉस कर गए.
तो ये है जी हमारे दिन का आखिरी पड़ाव, यानी कि पूरा दिन अच्छा रहा, रात को डिनर के लिए बैठ गए हैं। डिनर में मैं खा रही हूँ कच्चे और उबले हुए चने का सैलड, ये मेरे डाइट में है तो यही बनाया मैंने, और इंटरेस्टिंग डाइट है। काम पूरा हो गया आज, बस कल जो आंधी तूफान था और पानी आ था उससे पूरा घर बहुत गंदा हो गया, तो वो आज सफाई हमने नहीं किया, कल मिलकर करेंगे आपके साथ। और कल ख़ास मेहमान आ रहे हैं, ख़ास मेहमान मतलब मेरे लिए, आपके लिए तो बता दूँ कि रिंकी भी आ रही है विद फैमिली, तो कल हमको घर भी रेडी करना है। तो आज बस इतना है कि सैलेड ख़त्म करेंगे और थोड़ी देर वॉक करने जाएंगे, और आज मैं सोच रही हूँ कार से वॉक करने जाऊँ। आप लोग चाहते हैं कि मैं ड्राइविंग सीखूँ, और वाकई में चंडीगढ़ का जो सड़क है और जो ये पूरा लोकेलिटी है, ये ड्राइविंग सीखने के लिए बड़ी अच्छी जगह है, और मैं यहाँ ड्राइव कर भी सकती हूँ। बेसिकली 10 दिन का कोर्स मैंने किया है, आई नो थोड़ा बहुत, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है, और प्रैक्टिस के लिए बेस्ट ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रहा है। तो चलो देखते हैं, सैलेड ख़त्म करते हैं और फिर चलते हैं, एक राउंड तो लगा ही लेते हैं, है ना। वेलकम टू माई कार, और मुझे थोड़ी थोड़ी ड्राइविंग आती है, बताती हूँ कितनी। कार में बैठते ही सबसे पहले सीट करें एडजस्ट, ग्लास सेट करें, फिर लगाएं सीट बेल्ट। कितना होता है ड्राइविंग सीट में, फीलिंग ऑसम है। ड्राइविंग स्कूल की कार चलाई है मैंने, लेकिन अपनी कार पहली बार। 20 का स्पीड भी मुझे अच्छा खासा लग रहा है। हाय, मुझे मेरा ड्राइवर याद आ रहा है जिसने मुझे सिखाया है अभी, थैंक यू भैया जी, भैया जी का नाम ही भूल गई हूँ। कैसा लगा ये ट्रैवलिंग जर्नी, मैं अच्छी लग रही हूँ सीट पे? ये जोकरपंती बंद करो, सीरियस सीरियस बात करो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। घर वाले तो सारे पुश करते थे, बंधु करता था पुश, मामा जी करते थे, मामा जी ने तो इतना पुश किया कि मैंने ड्राइविंग क्लास तक ज्वाइन कर लिया, लेकिन 10 दिन ही किया था और फिर इधर का प्लान बन गया, और इतना हेक्टिक शेड्यूल होने की वजह से ध्यान भी इधर नहीं गया कि मुझे ड्राइविंग भी सीखनी है या मैं अधूरा ड्राइविंग क्लास किया हुआ है। जैसे ही आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लिखना शुरू किया, मुझे ऐसा टिंग ऐसे आया कि हाँ यार ये भी तो एक चीज़ है, इसमें भी क्यों ना हाथ डाल दिया जाए, और इस लोकेलिटी में सच में ये बड़ा ही मज़ेदार और आसान है। तो देखते हैं, एनर्जी अगर हर दिन ऐसे ही बची रही तो कर लेंगे ये भी। कार खुद से ड्राइव करना एक फ्रीडम का एहसास देता है, ऐसा लगता है कि आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं। ये मैं बहुत दिनों से सोचती हूँ और मानती भी हूँ, पर एक जो फियर है ना वो मुझे ड्राइविंग के लिए रोकता रहा है, पर अब इस फियर को भी दूर करूँगी। फ्रेंकली स्पीकिंग यहाँ चला सकते हैं, बिकॉज रोड और हर चीज़ यहाँ पर बड़ा ही अलग सा है। मुंबई में, पटना में बहुत टफ है, मैंने ट्रैफिक रूल्स और ये सब यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा है यार। सो विल सी, अगर वक्त मिला तो यहाँ पे मैं पॉलिश करूँगी, और बाकी तो रब जाने। तो कल मिलते हैं, राम राम, गुड नाइट, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।